हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं समर गुल और आप देख रहे हैं समर गुल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जी, आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी, यहां पर हमारे हमसायों की है शादी और उसके लिए प्याज वगैरह तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्याज और बाकी जो मसाला वगैरह होता है, ये प्याज को देखें बनाया जा रहा है इस वक्त। देगों के लिए प्याज और टमाटर भी पड़े हुए हैं और भी सारा सामान मौजूद है यहाँ पर जी। देगों वगैरह में प्याज वगैरह डाला जा रहा है। ये चार पांच देगों में हमने प्याज डाल लिया है फिलहाल। इस वक्त जी शादी की बिल्कुल तैयारी हो रही है और यहाँ पर हमें गोश्त धोने के लिए भेजा गया है और जी हम यहाँ पर गोश्त को धो रहे हैं और भी काफ़ी सारा गोश्त है तो अभी हम इसे धो रहे हैं अच्छी तरह से। इस वक्त जी गोश्त के अंदर हमने पानी छोड़ा हुआ है और ये गोश्त के अंदर जा रहा है और फिर इसे अच्छी तरह से धोकर एक एक बोटी को साफ़ करेंगे और फिर देगों के अंदर डालेंगे। अभी हम आगे आपको दिखा, ये जी गोश्त के अंदर हाथ लग रहा है अभी मोटा मोटा और फिर इसे अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे। और इस वक्त जी पूरी तैयारी के साथ गोश्त की सफाई हो रही है और ये सिरका लेके आए हैं गोश्त को धोने के लिए, तो ये इसके अंदर डाला जा रहा है। इससे गोश्त अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो जी, जब हम गोश्त धो रहे थे तो ये इतनी लंबी गर्दन आई है मुर्गी की। तो जी, यहाँ पर तमाम मसाला जात हल्दी वगैरह हो गई और ये रेड चिली और मेथी वगैरह और ये घी वगैरह जो ऑयल वगैरह यहाँ पे मौजूद है, घी तो नहीं है, और ये टमाटर हो गए। और तो जी, इस वक्त हमने देगें चढ़ा दी हैं आग पर और ये तकरीबन चार पाँच देगें जो हैं चढ़ी हुई हैं। इसके अंदर भी गोश्त डाल दिया है और इसके अंदर भी डाल दिया है, तकरीबन मेरे ख्याल में लगता है सब के अंदर डाल गया। इसके अंदर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। हाँ जी, गोश्त सब के अंदर डाल चुका है इस वक्त और चूल्हे के अंदर जल रही है आग। तो इस वक्त जी यहाँ पर मेहमानों को बिठाने के लिए ये जगह बनाई हुई है और अंदर भी बनाई हुई है और ये कालीन वगैरह पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पर कुरान पाक भी पड़े हुए हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर पहले कुरान पाक पढ़ते थे। और ये यहाँ पर प्लेटें वगैरह पड़ी हैं और ये हम थाल जो हैं अभी लेकर जा रहे हैं। सारे ले लो, चलो। तो अभी हम ये थाल लेकर, इस वक्त जी यहाँ पर ये पानी का टब भरा हुआ है और अभी हम इसे लेकर जा रहे हैं पानी के टब को। और यहाँ पर मस्जिद की सफाई हो रही है। ये जी कुछ देगें पक चुकी हैं इस वक्त और इन्हें यहाँ पर हमने रख दिया है फिलहाल। इस वक्त जी इनके अंदर सब्ज जो धनिया है वो डाला जा रहा है और जी ये जो बकाया देगें खाली पड़ी हुई हैं उन्हें भी पकाने की तैयारी हो रही है और बड़ी महारत से घी डाला जा रहा है इनके अंदर। आयल बल्कि घी नहीं, सॉरी, आयल है और ये डाला जा रहा है। देखें किस तरह से ये मारते हैं और पैकेट फट जाता है अपने आप ही और देग में डाल देते हैं। ये देखें जी महारत है इनकी भी इस काम में। एक प्लेट सालन की जी ये लेके जा रहा है खाने के लिए सबसे पहले। और जी यहाँ पर आ गया कुत्ता मुआयना करने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखें कैसे गौर से देख रहा है जैसे इसके बाप की शादी है। तो इस वक्त जी चाय आ गई है और अभी हम चाय पी रहे हैं, तो चाय पीने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वक्त ये देगें अभी पक रही हैं, तो एक देग पक चुकी थी, नाश्ता इन्होंने नहीं किया तो अभी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं थोड़ा सा। इस वक्त जी रोटी जो है शादी की वो चल रही है और ये जो ख़राब प्लेटें हैं ये धोई जा रही हैं। मैं भी इनके साथ हूँ धोने में शामिल और इस बंदे को हमने प्लेटें धोने के लिए अभी रखा हुआ है। और यहाँ पर अभी हमने पहले देगें पकाई थी, बाकी देगें जा चुकी हैं और ये देगें बची हुई हैं। और ये हमारे प्यारे से अंकल हैं जिन्होंने देगें पकाई हैं और ये उनके बेटे हैं, बहुत ही अच्छा सा सालन बनाते हैं। और ये जी देगें लेकर आ रहा है, ये देखें देख इसने उठाई हुई है, इतना वजन है देख का, लेकिन फिर भी ओ क्या। तो अभी जी शादी का एंड हो चुका है और ये देगें वगैरह जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं और अभी ये देगें जा रही हैं वापस मोटरसाइकिल पर, ये देगें लाद दी गई हैं और अभी ये वापस जाएंगी। अल्लाह से माशाल्लाह। यहाँ पर जी हमने वो देगें वगैरह पकाई थी, अब ये जो सामान वगैरह है यहाँ से अब उठा रहे हैं। और यहाँ पर जी हमने पकाई थी रोटी, रोटी वाले आए हुए थे तो यहाँ पर रोटी, आटा वगैरह भी अभी कुछ बचा हुआ है
और यहाँ पर जी रोटी पकी थी, अभी ठंड भी है और यहाँ पर आग बड़ी ज़बरदस्त है और ये दो यहाँ पर बैठे हुए हैं आग सेकने के लिए। तो अभी जी यहाँ पर बंदों का नाम निशान भी नहीं है खड़न, खड़न। और जी इधर ये बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं और चार पहिए वगैरह पड़ी हुई हैं। बारात जो है वो वापस चली गई है और ये चार पहिए वगैरह अब यहाँ पर जमा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली पर चार पहिए बस्ती से इकट्ठी की जाती हैं और अब उनके घरों में वापस की जाएंगी। तो अभी जी शादी से होने के बाद घास लेके अब घर जा रहा हूँ, ऊपर घास है सर के और अभी इसे डालना है। तो दोस्तों आज के व्लॉग का करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक नई व्लॉग और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।